और मुझे लगता है कि मरने के बाद जब मैं ऊपर जाऊंगा और भगवान मुझसे पूछेगा कि तूने पृथ्वी पे क्या किया, तो मैं भगवान को कहूंगा मैंने बच्चों के स्कूल ठीक कर दिए थे। सबसे बड़ा पुण्य का काम हम लोगों ने यही किया कि बच्चों के स्कूल ठीक कर दिए, बच्चों का भविष्य बना दिया हम लोगों ने। संतुष्टि होती है जब मरेंगे तो लगेगा कि हमारी जिंदगी कुछ काम आई इस पृथ्वी के ऊपर। जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में, वहां भी यही हालत थी जो अभी मैं सारे प्रश्न मैंने लिखे हैं, एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। यही हालत थी जो आज गुजरात के अंदर है। दो तरह का सिस्टम था, एक गरीबों के लिए, एक अमीरों के लिए। अमीर भी नहीं कहूंगा, जिसके पास भी थोड़ा सा पैसा होता था। कई लोग तो अपना पेट काट के एक टाइम की रोटी कम खाते थे, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर लेगा तो थोड़ा कुछ बन जाएगा बड़ा होके। सरकारी स्कूलों की इतनी बुरी हालत थी, बच्चे फेल होते थे, पढ़ाई होती नहीं थी, टीचर आते नहीं थे, बहुत बुरा हाल था सरकारी स्कूलों का। लेकिन गरीब बेचारा कहाँ जाएगा? गरीब आदमी मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता था, और फिर जब देखता था पढ़ाई नहीं हो रही तो थोड़े दिन में वो ड्रॉप आउट कहते हैं ना, बच्चों को निकाल लेता था, सोचता था थोड़ा सा दुकान पे मेरे साथ लगेगा, मेरे साथ काम करेगा, पैसे कमाएगा, स्कूल में तो कोई पढ़ाई नहीं हो रही। प्राइवेट स्कूल वाले भी खुश नहीं थे, अनाप शनाप फीस, अनाप शनाप जो मर्जी फीस बढ़ा देते हैं। लूट मचा रखी थी कई प्राइवेट स्कूल वालों ने, कभी लाइब्रेरी फीस, पिकनिक फीस, फलाना फीस, डिमका फीस, डेवलपमेंट फीस, ये फीस वो फीस। एक बेचारा, कई लोग ऐसे जानता हूं मैं जिन लोगों ने तंग आके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से नाम कटा दिया, पैसे नहीं दे सकते थे, पैसे नहीं थे। तो जब हमने दिल्ली में सरकार संभाली ये हालत थी, आज गुजरात में भी यही हालत है। आज 7 साल के बाद सरकारी स्कूलों को हमने इतना शानदार बना दिया, इतना शानदार बना दिया। आप लोगों ने तस्वीरें देखी होगी सरकारी स्कूलों की, दिल्ली के सरकारी, और सारे स्कूल, मेरे को भी एक आदमी मिला, मुझसे पूछा था, कहते सर सारे ऐसे हो गए, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि बहुत शानदार सरकारी स्कूल है, सारे हो गए कि कुछ हुए हैं? मैंने कहा सारे सरकारी स्कूल ऐसे हो गए। पर दिल्ली में एमसीडी के स्कूल हैं, नगर निगम के, वो बीजेपी के पास है, वो बहुत खराब हैं। एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, अब इस बार दिल्ली की जनता हमें वोट देगी, एमसीडी के प्राइमरी स्कूल भी सुधारेंगे, लेकिन दिल्ली सरकार के जितने स्कूल हैं सारे शानदार हो गए। इसका सबसे, मैं अगर कहूं खड़ा होकर कि सारे स्कूल अच्छे हो गए, आप कहोगे केजरीवाल अपनी बढ़ाई कर रहा है। 4 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराए हैं, 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से अपना नाम कटा के सरकारी स्कूल में। और बड़े अमीर लोगों ने, मैं एक क्लास में गया, मैंने बच्चों से पूछा आप में से कौन कौन बच्चा प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के आया है, 7-8 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। मैंने एक बच्चे से पूछा कौन से स्कूल में पढ़ते थे, कौन से प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, कहता सेंट कोलंबस, सेंट कोलंबस दिल्ली का सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल है। लाइन लगी पड़ी है वहां पे सेंट कोलंबस में एडमिशन कराने के लिए, बड़े बड़े लोगों की लाइन लगी हुई है, अमीर अमीर लोगों की। उस स्कूल का एक बच्चा नाम कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आजकल मैं अभी एक बड़ी मीटिंग की थी, 1100 बच्चे हमारी 12वीं क्लास के 1100 बच्चों ने नीट के और IIT के पेपर पास करे हैं, 1100 बच्चों ने। मैं IIT से हूं, मैं IIT से इंजीनियर हूं। जब मैं IIT से इंजीनियर बना था, हिसार से, पूरे हिसार जिले से अकेला मेरा एडमिशन हुआ था एक बच्चे का उन दिनों में। आज मेरे दिल्ली के एक एक सरकारी स्कूल से 4-4 बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं वहां पे। और सबसे बड़ी खुशी यह है, जब मैं IIT में गया, मेरे देश ने बहुत कुछ दिया है, भारत ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और मैं शुक्रगुजार हूं मेरे देश का, आज मैं जो कुछ हूं मेरे देश की वजह से। मैंने एक कसम खाई थी कि जितनी अच्छी शिक्षा मुझे मिली है, ऐसी शिक्षा मैं कोशिश करूं कि इस देश के हर गरीब बच्चे को मिलनी चाहिए। आज मुझे बेहद खुशी है ये कहते हुए कि दिल्ली के एक एक बच्चे को मैंने वैसी शिक्षा मुहैया करा दिया। मैं जब बच्चों से, 1100 बच्चों से बात कर रहा था कि डॉक्टर और गरीबों के बच्चे, मैंने देखा एक सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा खड़ा हुआ। उस सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा अब IIT में जा रहा है जहां मैं गया था, कहता सर मैं आपके इंस्टीट्यूट में जा रहा हूं। उस IIT, उस सिक्योरिटी गार्ड, वो सिक्योरिटी गार्ड 10,000-12,000 रुपए महीने कमाता है, उसका बच्चा IIT में जा रहा है, उसकी रैंक आई 569, ऑल इंडिया JEE का जो पेपर होता है उसकी रैंक आई 569। मैं जब IIT में गया था मेरी रैंक आई थी 563। मुझे लगा यार ये तो मेरे बराबर।
आज दिल्ली के एक एक बच्चे को, गरीब से गरीब बच्चे को, रिक्शे वाले के बच्चे को, मजदूर के बच्चे को, सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे को, प्लम्बर के बच्चे को, कारपेंटर के बच्चे को मेरे जैसी शिक्षा मिल रही है, जैसी शिक्षा मुझे मिली, शानदार शिक्षा मुझे मिली। सरकारी स्कूल हमने बहुत शानदार कर दिए। अब आप सोच के देखो, वो सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा, सिक्योरिटी गार्ड 10-12 हज़ार रुपये कमाता है, उसके घर का खर्चा नहीं चलता। अब वो बच्चा IIT में जाएगा, IIT से जब निकलेगा तो उसकी तनख्वाह, स्टार्टिंग तनख्वाह उसकी 2-3 लाख रुपये महीना होगी, तो उसकी एक परिवार की तो गरीबी दूर हो गई कि नहीं हो गई? अगर हम अपने देश के सारे बच्चों को ऐसा पढ़ा दें, सारे देश की गरीबी दूर हो जाएगी, सारा देश अमीर हो जाएगा। मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं, एक चीज जो इस देश को गरीबी से हटा सकती है, देश जो गरीबी से दूर कर सकती है, वो है शिक्षा। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें तो हमारा देश गरीब नहीं रहेगा, हमारा देश अमेरिका से भी ऊपर हो सकता है।